कभी भी किसी भी सेंसर को अगर आपको डायरेक्ट करना है तो उससे पहले उसकी प्रॉपर वायरिंग वर्किंग कैसे मैकेनिज्म में काम करता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप आगे जाके गाड़ी में और कुछ ज़्यादा खतरा कर सकते हैं। तो बाईपास करने से पहले मैं यहाँ पे देखूंगा कि इसमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ए टू जेड कार सर्विस की वीडियो में, मैं अभिजीत। और आज का जो वीडियो है, एक्चुअली मेरे पास ये गाड़ी आया है हुंडई की i10 गाड़ी है, ना कि सिर्फ i10 बल्कि कोई भी अगर गाड़ी हो तो मैं कोशिश करूंगा मेरे किसी भी टेक्नीशियन भाई को इस वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट व्हीकल स्पीड सेंसर से रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो ऐसे सॉल्व करें। अब देखिए गाड़ी को हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, गियर डालो, व्हीकल स्पीड जो है बिल्कुल जीरो पे खड़ा है, बट चक्का का जो रोटेशन है ये देखिए बिल्कुल घूम रहा है। ठीक है, एकदम 4 नंबर गियर लगा दो, व्हीकल स्पीड मेरा जीरो पे है, बट यहाँ पे जो व्हील आरपीएम है, बस आरपीएम मत दो, चक्का जो है ये देखिए बिल्कुल घूम रहा है। ठीक है, तो हमारा व्हीकल स्पीड सेंसर अल्टीमेटली काम नहीं कर रहा है, ये कन्फर्म हो गया है प्रॉब्लम, स्टॉप कर दो। तो ये गाड़ी एक्चुअली बहुत दिन से पड़ा हुआ था और इसको देखने से आप वैसे कैमरे में तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी बहुत मतलब कम यूज़ होता है। और जो कि ये देखिए ये चूहा ने इसको काट दिया, यहाँ पे जो चूहा था ये मतलब काट दिया है और ना जाने कहाँ वहाँ पे ये वायरिंग काटा है। तो इस तरह के केस में कई बार हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हो सकता है कि चूहे ने किसी जगह पर वायर कट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए जो व्हीकल स्पीड सेंसर है, ये गाड़ी का व्हीकल स्पीड सेंसर है। ओके, ये मेरा कनेक्टर भी बिल्कुल प्रॉपरली लगा हुआ है, तो इसमें कोई भी कट मेरे को बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी इस कंडीशन में मेरा गाड़ी स्टार्ट है, गियर में लगा हुआ है, हम स्कैनर से एक बार देखेंगे कि रीड फॉल्ट कोड कुछ आ रहा है कि नहीं। वैसे यहाँ पे नो ट्रबल कोड शो कर रहा है, आना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है क्योंकि एक बार पहले आया था तो उसको इरेज कर दिया गया, और इरेज करने के बाद जब चेक कर रहे हैं तो स्कैनर में कोड नहीं आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है। अब अगर डेटा देखेंगे इस कंडीशन में तो स्पीड और इंजन आरपीएम देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 1500 के आसपास कुछ है, गाड़ी अभी ठंडा है, बट व्हीकल स्पीड चक्का मेरा घूम रहा है अभी भी, यहाँ पे स्कैनर में भी व्हीकल स्पीड शो नहीं कर रहा है। एटलीस्ट इसका जो प्रॉब्लम है ये क्लस्टर मीटर का प्रॉब्लम एटलीस्ट नहीं है, अगर क्लस्टर का प्रॉब्लम होता फिर तो व्हीकल स्पीड यहाँ पे जीरो नहीं दिखाता। ECM के पास जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन ECM से हम लोगों को मिल रहा है। गाड़ी बंद कर दो, ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल रहा है ये ECM के थ्रू मिल रहा है, तो ECM में भी इसका कोई इनपुट नहीं है। अब हम लोग पहले ही कंफर्म हो गया कि मेरा क्लस्टर मीटर खराब नहीं है स्कैनर के थ्रू, अब क्या सस्पेक्ट है, या तो सेंसर खराब है, वायरिंग खराब है, या मेरा जो ECM है ECM प्रॉब्लम है। इसको कैसे कंफर्म करेंगे, इस तीनों इसके लिए बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ज़्यादा डिटेल में नहीं कहेंगे बट फिर भी आप कोई भी इसको ईजिली ताकि समझ में आए आपको इतना ज़रूर कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैं पहले कैमरा दे दो मेरे को, तो व्हीकल स्पीड सेंसर का जो कनेक्टर है ना उसको खोलो। तो अभी व्हीकल स्पीड सेंसर का जो कनेक्टर को खोलो, ये एक्चुअली व्हीकल स्पीड सेंसर का कनेक्टर है। तो अभी ये जो व्हीकल स्पीड सेंसर है इसमें तीनों पिन आपको दिख रहा है इस कनेक्टर में, तो इसमें एक पावर का है, एक ग्राउंड का है और एक सिग्नल का है। तो अभी सपोज मेरे पास डायग्राम है बट बहुत सारे लोगों के पास डायग्राम नहीं है, तो पहले आपको जानना है कि कौन सा पिन किसके लिए यूज़ होता है, और कभी भी किसी भी सेंसर को अगर आपको डायरेक्ट करना है तो उससे पहले उसकी प्रॉपर वायरिंग वर्किंग कैसे मैकेनिज्म में काम करता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप आगे जाके गाड़ी में और कुछ ज़्यादा खतरा कर सकते हैं। तो बाईपास करने से पहले मैं यहाँ पर देखूँगा कि इसमें कौन सा पिन में कितना वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पर देखिए इस पिन में मेरा 11.4546 ऐसा शो कर रहा है, 3 नंबर पिन है, ये फीमेल कनेक्टर है तो फीमेल कनेक्टर की जो काउंटिंग होगा, सॉरी ये फीमेल कनेक्टर है तो 1 2 3 ऐसे होगा, 1 नंबर पिन में मेरा ये 11.42 शो कर रहा है। अब मैंने बीच में जो है 2 नंबर पिन उसमें 12.47, मतलब ये मेरा बैटरी वोल्टेज लगभग बैटरी वोल्टेज ही दिखा रहा है 12.55,
और यहाँ पे दिखा रहा है 12.46, मतलब ये मेरा बैटरी पावर है। और इसमें जो आ रहा था एक नंबर में, ये देखिए 11 point something, दैट मीन्स ये मेरा सिग्नल होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब ये जो है दूसरा, इसमें एकदम मतलब जो तीन नंबर पिन है इसमें ज़ीरो शो कर रहा है। तो इसमें जैसे मैंने बैटरी का पॉजिटिव में लगाया कनेक्ट प्रोब को, तो यहाँ पे मेरा ये माइनस शो कर रहा है क्योंकि मैंने इस प्रोब को उल्टा लगाया। तो ये समझ में आ गया कि मेरा ये ग्राउंड है। अब मेरे सामने ये सिग्नल है, ये पावर है और ये मेरा ग्राउंड है। अब करना क्या है, जब भी आप चेक करेंगे, अभी वायरिंग में मेरा प्रॉपर जैसा सिग्नल वायर में रहना चाहिए वो आ गया है। मेरा जो ग्राउंड है, ग्राउंड भी बिल्कुल प्रॉपर है और जो पावर है पावर भी सही है, नहीं तो फ्यूज कट होने से पावर नहीं आता, पावर भी आ रहा है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि ECM खराब है। आप देखेंगे कि सब कुछ सही है, ECM ही पावर भेज रहा है सिग्नल लाइन में, जो वोल्टेज आपको शो कर रहा है 11 point something, ये ECM से ही आ रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ECM फिर भी खराब रहता है। आप ये देख के ऑर्डर कर देंगे व्हीकल स्पीड सेंसर और आगे जाके देखेंगे कि व्हीकल स्पीड सेंसर का प्रॉब्लम नहीं है, ECM का ही प्रॉब्लम है। तो ये कैसे कन्फर्म करना है ये अभी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे, और हाँ, और ये वीडियो मैं और एक बार कह रहा हूँ, अगर आप कभी भी आपकी लाइफ में ये कोशिश करते तो ज़रूर भाई ध्यान रखिए, क्योंकि इस तरह का बाईपास के केस में कई बार ऐसा होता है कि आप अगर थोड़ा सा मिस्टेक कर देंगे तो जो ECM या फिर कंप्यूटर रहता है गाड़ी का, उसमें भी इफेक्ट आने की एक बहुत ज़्यादा चांसेस रह जाता है। ना करें तो ही बेहतर है। इसमें से ही नॉर्मली कन्फर्म हो जाता है कि मेरा लाइन ठीक है, ECM ठीक है। एक आप केस के लिए बस ये वीडियो दिखा रहा हूँ। अब करना क्या है आपको, ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर में जो सिग्नल वायर है व्हीकल स्पीड सेंसर में, एक्चुअली रजिस्टर लगा हुआ, रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है जिससे नॉर्मली हानि पहुंचता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान से करें। इसमें जो सिग्नल की वायर है, तो ये मेरा सिग्नल वायर था, सिग्नल वायर पे मैंने एक नॉर्मल सा वायर लगा दिया। और ये कनेक्ट किसके साथ है, मल्टीमीटर के नहीं, ये मेरा कनेक्टेड टेस्ट लैंप के साथ। टेस्ट लैंप बहुत अच्छा चीज़ है, ये मतलब हानि पहुंचने नहीं देता है। तो ये टेस्ट लैंप को मैंने कनेक्ट किया, बहुत ही सिंपल है। अगर इसको कनेक्ट करेंगे तो जलेगा वो, लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस कंडीशन में मैं इस टेस्ट लैंप को सिर्फ ग्राउंड करूँगा। यहाँ पर मेरा कनेक्टर में जो सिग्नल लाइन है, सिग्नल लाइन में लगा हुआ है दूसरा साइड, ये वायर की जो टेस्ट लैंप से होके जो साइड आ रहा है, इसको मैं ग्राउंड में बस टच करूँगा। और वहाँ पे मेरा जो क्लस्टर मीटर है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा, यहाँ पे स्कैनर में भी आप देख सकते हैं। पहले स्कैनर में देखिए, स्कैनर में जैसे कि यहाँ पे व्हीकल स्पीड जो है, अब मैं इसको टच कर रहा हूँ, ठीक है, स्कैनर में आ गया। क्लस्टर मीटर में भी तुम थोड़ा दिखाओ, यहाँ पे जब भी इस तरह से बाईपास करके आप चेक करेंगे, इसको टच करके कांस्टेंट रखने से नहीं होगा। करना क्या है, एकदम नजदीक से दिखाओ इसको आपको। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बैटरी ग्राउंड से ही करना है, आप चाहे किसी भी बॉडी ग्राउंड से, एक्चुअली जो सिग्नल लाइन है उसको आपको ग्राउंड कर देना है। और ग्राउंड करने से ही जो व्हीकल स्पीड है वो क्लस्टर मीटर में एकदम अगर काम करना चालू कर देता है, तब हम एकदम 300% श्योर हो गए कि मेरा व्हीकल स्पीड सेंसर अगर हम नया लगाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब इस गाड़ी में क्यों मैं ऐसे चेक करके दिखा रहा हूँ, एक्चुअली इसका जो व्हीकल स्पीड सेंसर है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, और मेरे पास चेक करने के लिए ये सेंसर है, इसकी जो कनेक्टर है ये इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली मैं गाड़ी का काम कर भी नहीं रहा था, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम है और इसके वजह से मेरे पास आया है कि भाई इसको तुम एक बार देख दो, तो मैंने सोचा कि सबके लिए वीडियो बना दो, ताकि अगर आपके पास कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप खुद ब खुद ऐसे ही इसको इजीली फाइंड आउट करके चेक करके कंफर्म कर सकते हैं कि मेरा व्हीकल स्पीड या फिर आपका गाड़ी का व्हीकल स्पीड सेंसर का ही प्रॉब्लम है, कि वायरिंग का प्रॉब्लम है, कि ECM का प्रॉब्लम है। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कभी भी अगर ऐसा कभी भी किसी भी चीज़ का बाईपास टेस्टिंग करने जाए, पहले उसकी पूरा जो वर्किंग है उसको अच्छे से जाने, उसके बाद ही करें, ना कि कोई भी वीडियो देख के आप करने जाएंगे तो आगे जाके ECM खराब होगा तो भाई गाली मेरे को मतलब फ्री में मिल जाएगा।
जबकि मेरा क्योंकि कई बार होता है कि मैंने कुछ समझाया, समझाने की कोशिश किया, आप प्रॉपर उसको समझ नहीं पाए और अपने पावर की जगह सिग्नल की जगह पावर लाइन पे शॉर्ट कर दिया, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। थैंक यू। हाथ ऑलरेडी धो लिया था, एकदम दिमाग से चला गया था, लेकिन फिर भी ये वायरिंग जो है सिर्फ नॉर्मल एक वायरिंग है टेस्ट लैंप पे, और कभी भी ऐसा करना है तो ज़रूर टेस्ट लैंप का यूज़ करें। ठीक है, नॉर्मल एक टेस्ट लैंप की कनेक्शन है, इसको मैंने थोड़ा बढ़ा लिया, नॉर्मली नहीं तो इतना छोटा सा ही काम हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा दिखाना था तो मैंने इसकी वायर को बढ़ा कर लिया और कुछ नहीं। थैंक यू।